वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे ना रिएक्ट जेएस में विद मोंगो डीबी एंड नोड जेएस, ओके, अभी इसको हम फ्रंट एंड पार्ट बना रहे हैं, ओके। एंड अभी तक देखिए हमने कितना बना लिया है इसको, होम पेज को। इसमें हमने कंप्लीट हेडर बना लिया है, एंड मैंने ये फ्रंट स्लाइडर सेक्शन ना ये फुल में लिया है, ओके। देखिए इसमें स्लाइडर सेक्शन फुल में भी है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने इन्हीं की इमेज यूज कर ली अभी, ठीक है फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ये बैनर स्लाइडर बनाया था हमने, एंड ये प्रोडक्ट के कार्ड बना लिए थे, ठीक है ना। एंड हमने इसमें स्वाइप और स्लाइडर ऐड किया था, ठीक है। एंड दोस्तों ये वाला भी हमने सेक्शन कवर कर लिया था, ठीक है। एंड मैंने ये वाला स्लाइडर मैंने फुल में लिया हुआ है, ठीक है ना। एंड देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू तो ऐसे हमारा चल ही रहा है, ठीक है। एंड ये भी देखिए, ओके। तो दोस्तों इसके बाद हमारा देखिए ये हमने ये भी बनाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप जाके चेकआउट इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड सीखने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, तो आप चैनल से बने रहें, एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए, ठीक है ना। तो हम ये वाला आगे कवर करेंगे। तो हमने ये वाला सेक्शन तो बना लिया था, ठीक है ना। एंड इसमें बटन ऐड टू कार्ट यहाँ नहीं दे रहे, ऐड टू कार्ट हम देंगे जब हम इस पे क्लिक करेंगे, और एंड ये मॉडल भी ओपन होगा, ठीक है ना। इसी में हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एंड उसके बाद हमने क्या किया है, एक ये सेक्शन हो गया बेस्ट सेलर नाम का, एंड एक सेक्शन हो गया न्यू प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है ना। एंड न्यू प्रोडक्ट के नाम से भी हो गया ये रहा। एंड देखिए ये हमारी एक साइड बार भी चल रही है, ठीक है। देखिए एक बैनर ये हो गया, एंड सेकंड बैनर ये हो जाएगा हमारा। तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रिंट स्क्रीन लूंगा एंड इसका ये बैनर निकाल लूंगा, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लिया मैंने, एंड न्यू पेज पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड यहां पर एक्सपोर्ट कर लूंगा मैं इससे, ठीक है। एंड मैं आऊंगा अपने अब डाउनलोड फोल्डर में, इसे मैंने कट कर लिया, एंड अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। इमेजेस फोल्डर में ऐड कर दूंगा, एंड इसका नाम रखूंगा मैं बैनर टू, ओके। तो हमारा ये होम पेज में काम चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर बैनर वन है, बैनर वन एंड बैनर टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड बैनर टू, तो देखिए बैनर वन मैंने ऐसे करके ऐड किया हुआ है, इसे कॉपी करते हैं, एंड सेम टू सेम यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड MT3 कर दूंगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर टू कर दूंगा, बैनर टू। अब चेक करते हैं अपना ये वाला सेक्शन। देखिए दोस्तों हमारा ये भी बैनर आ चुका है एक केक नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा हम MT4 कर देंगे, जैसे और ज़्यादा स्पेस यहाँ पर हमारा अच्छा लगे, ठीक है ना। देखिए ये अब हमारा और भी अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी इसका ही फ्रंट एंड पार्ट ही बन रहा है। एंड उसके बाद क्या है, आप ये भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ओके। आप ये भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कस्टमर कमेंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंड कुछ भी, ठीक है ना। तो हम इसके नीचे एक कैटेगरी का सेक्शन बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने वहां पर अपने ई कॉमर्स वेबसाइट जो रिएक्ट की चल रही है एंड नेक्स्ट जेएस की चल रही थी हमारी, ओके, उसमें ना कैटेगरीज मैंने ऊपर ही यहाँ पर डिफाइन की है, ओके। हम देखिए सेम टू सेम ऐसा भी बनाएंगे, एंड इसमें अपने अकॉर्डिंग और चीजें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कैटेगरीज ऐड की है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो हम अपना कैटेगरी ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया था। देखिए मैं नेक्स्ट ओपन करता हूँ, मैं देखिए जो ये वाली प्लेलिस्ट हमारी चल रही थी ना, ये तो आपने देखी होगी हमारी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे ये कैटेगरी दे रखी है ना, हम इस टाइप से ही बना के रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इस टाइप से ही यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं सबसे ऊपर आऊंगा होम प्रोडक्ट, होम बैनर के बाद, होम कैट, ओके। एंड इसके अंदर कंटेनर, ओके। एक काम करता हूं मैं, इसके अंदर
होम बैनर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हेडर चला गया। एंड इसमें मैं होम कैट, ओके, इसका एक अलग ही कॉम्पोनेंट बनाऊंगा, इंडेक्स डॉट जीएस, ठीक है, होम कैट, डिफॉल्ट होम कैट, ओके। एंड यहां पर रिटर्न, रिटर्न जो होगा हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन यहां पर, ठीक है। एंड उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को ऐड करा लेंगे, ठीक है, होम कैट, ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है, ये रहा, ओके। एंड अब हम इसके अंदर इजिली काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड हमको अब यहाँ पर स्वाइपर स्लाइडर चाहिए, तो उसके लिए हमको ये दोनों को, ये सब यूज करना पड़ेगा, इस सारा, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। एंड उसके बाद हमको अगर स्वाइपर स्लाइडर ऐड करना है तो ये कॉपी करेंगे इतना, एंड इसके अंदर पेस्ट करूंगा, ये स्वाइपर स्लाइड हो जाएगी, एंड बंद करूंगा इसे, बस। अब देखिए यहां पर कह रहा है स्लाइड पर व्यू, स्लाइड पर व्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 करते हैं, ओके। एंड कितने मूव होने चाहिए एक बार में, यहाँ कितने मूव हो रहे हैं, एक एक करके मूव हो रहे हैं, ठीक है ना, मैं भी एक एक करके इसको मूव कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड यहां पर इसके अंदर देखिए अभी कोई हमारा एरर भी नहीं आया, ठीक है ना, अभी के लिए हम यही वाली चीजें यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड हम यहाँ पे करेंगे div आइटम, ओके। एंड इस आइटम के अंदर इमेज अब चेक करते हैं एक बार जरा, देखिए हमारा ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। एंड इसी को ही, एंड उसके अंदर थोड़ा नाम भी लिख दूंगा मैं जरा, रेड एप्पल, और जैसे रेड एप्पल अभी के लिए ये जस्ट हमारा डमी है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, ओके, एंड रेड एप्पल भी आ जाएगा यहाँ पर, देखिए रेड एप्पल आ गया, H6 करता हूँ इसे मैं, अब ठीक है, ओके। एंड इसी को ही हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, मैंने बहुत बार यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड देखिए यहाँ पर स्लाइडर हमारा इजिली बन चुका है, ठीक है ना, कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये। एंड इतना तो हमारा बन गया। एंड यहाँ पर कैसा है, ठीक है ना। एंड इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं, स्पेस बिटवीन 20, ओके। अब जल्दी से यहाँ पर काम करते हैं, होम कैट में, स्वाइपर में आइटम, ओके। एंड पैडिंग 15 px, विड्थ 100%, हाइट ऑटो, ओके। एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये, एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपल इसका प्रिंट स्क्रीन लेंगे हम, एंड बैकग्राउंड ये चेक करते हैं हम, देखिए देखिए यहाँ पर प्रॉपर ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। एंड इसके अंदर जो ये इमेज है ना, विड्थ 80%, ओके, वेरी गुड। एंड ये होम कैटेगरी को थोड़ा सा यहाँ पर पैडिंग 35 px एंड 0 px, ओके। देखिए यहां पर ये ऐसा आ गया,
ठीक है ना, एंड ये जो हमारा स्पेस है ना, ये जीरो कर देंगे अभी हम, ठीक है ना, जीरो की जगह 5 करके देखते हैं। हाँ ये ठीक लग रहा है थोड़ा ना, ठीक है। एंड इसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 px, देखिए वेरी गुड, ये हमारा बन गया, ठीक है ना। एंड दोस्तों मेरे पास एक कोड था, सारसी में कंपोनेंट्स में ये रहा, ये कॉपी कर लिया मैंने अभी, ठीक है ना। एंड ये कलर सिर्फ ये मैं कर रहा हूँ ओनली कलर के लिए, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर हटाता हूँ, सब कुछ हटा दिया मैंने अभी, ठीक है ना। एंड जितनी बार ये बनाया ना हमारे यहाँ रिटर्न आ जाएगा। ओके एंड 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 यहाँ पर जो मैंने बैकग्राउंड दिया है ना, इस हटाते हैं यहाँ से, यहाँ से इस बैकग्राउंड को मैंने रिमूव कर दिया। एंड बैकग्राउंड देंगे हम यहाँ पर, ओके बैकग्राउंड, बैकग्राउंड है आइटम, आ गया बैकग्राउंड, ठीक है ना। अब चेक करते हैं एक बार, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, यूज स्टेट इंपोर्ट कर लेंगे, यूज स्टेट ऊपर से, ठीक है ऊपर। एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, वाह गाइस देखिए कितना अच्छा हमारा ये आ गया है, ठीक है। एंड आप भी ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। एंड देखिए और भी मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर मूव करने के लिए 5 और 3 मूव करता हूँ, हमारे पास 3 मूव, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा पर व्यू में, देखिए 3 मूव हो रहा है तो अच्छा लग रहा है काफी ना, ठीक है। चलिए इतना तो हमने मूव कर लिया, एंड उसके ऊपर हमारी ये फीचर कैटेगरीज भी तो आएगा, हम इसे ही कॉपी करेंगे, ये रहा, ठीक है। एंड ये H3 में है तो मैं इसे कहाँ पर ऐड करूंगा, इसमें यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। एंड यहाँ पर कॉपी किए इसका टाइटल एंड फ्यूचर कैटेगरीज, अब चेक करते हैं, ठीक है। देखिए फ्यूचर कैटेगरीज आ गया, तो यहाँ पर ये फॉन्ट साइज का चेंज हो गया, ये HD ना यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज वो अपर केस, देखिए अब अच्छा लग रहा है काफी ना ये। एंड यहां पर जाके MB0 हटा देंगे यहां से, MB4, ओके। देखिए अब ये कितना अच्छा हमारा ये बढ़िया लग रहा प्रोजेक्ट ना, एंड देखिए, ठीक है ना। एंड मैं यहां पर क्या करूंगा, कर्सर नाम की एक क्लास और ऐड कर दूंगा, जैसे हमारा यहाँ कर्सर बन जाए सब में, ठीक है परफेक्ट। एंड अब ये जो हमारा नेक्स्ट प्रीवियस के एरोज है ना, इनको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहां पर जाएंगे हम यहां पर, ठीक है, होम कैट के अंदर ये, एंड इसके अंदर ये, ठीक है ना। एंड यहां पर टॉप से -50 px, ओके। एंड चेक करते हैं यहाँ पर, ओके ये इसलिए नहीं दिख रहे यहाँ पर दोस्तों क्योंकि वो छुप गए हैं, ठीक है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पर ना ओवरफ्लो हिडन लगा हुआ है कहीं पे इसमें,
ये देखिए ये रहे, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर का जो स्वाइपर है ना, ओवरफ्लो इनहेरिट करते हैं इसको। एंड यहाँ देखिए परफेक्टली वो वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो ये टॉप में 0 आ रहा है एंड यहाँ पर विड्थ 30 px एंड हाइट भी उन नेक्स्ट प्रीवियस बटन की हाइट और विड्थ बोल रहा हूँ मैं, ये हमने छोटा किया, ठीक है। एंड जो यहाँ पर प्रीवी है ना वो होगा राइट से 100 px एंड लेफ्ट से इनहेरिट, देखिए ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। एंड पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं पूरा, टॉप से 30 हो गया, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पर इसको थोड़ा सेट करूंगा मैं, ठीक है ना, 68 हो जाएगा ये राइट से 68, ओके। एंड इसको कॉपी किया हमने आफ्टर, एंड इसका ये जो आफ्टर है, ओके। एंड इसमें ना देखो फॉन्ट साइज लगा हुआ है आफ्टर में, ये रहा, ठीक है, फॉन्ट साइज 11 px, ओके 12 करते हैं, देखिए फ्रेंड्स हमारा ये प्रॉपर काम बन गया हमारा, ठीक है, देखिए ठीक है ना। एंड जब ये डायनेमिक होगा तो ये और भी अच्छा लगेगा हमारा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ये कैटेगरीज भी शो कर देंगे ये वाली हम, ठीक है ना, जैसे कि आ रही है बेवरेज, ये जो भी कैटेगरीज हम यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ पर हमारी शो भी हो जाएगी, ठीक है, इजिली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा आज, कि हमने यहाँ पर ये फीचर्ड कैटेगरीज ऐड की हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो फ्यूचर कैटेगरीज लिखी है ना, हमने यहाँ पर इसको 3 करते हैं मार्जिन से, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एंड हमने देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट बना लिया। एंड देखिए ये चीज, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, होम कैट स्वाइप पर यहाँ पर स्वाइप पर इनहेरिट हो गया है, क्यों चेक करते हैं एक बार, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को एक बार, नहीं ये सही है। एंड अगर इस पे करेंगे हम तो ठीक है, हाँ अब सही है, ठीक है ना। तो देखिए हमने ऊपर वाला बना लिया, एंड ये भी हमारा बन चुका है सारा काम, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने ये भी कर दिया, और हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर और सेक्शन डाल सकते हैं जैसे हमारा होम पेज कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। एंड न्यू प्रोडक्ट्स, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स को ना ऐसे ऐड किया हुआ है, यहाँ पर स्लाइडर नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो न्यू प्रोडक्ट्स है ना होम में, ये वाले, इसके अंदर हम स्लाइडर नहीं रखते, ठीक है, ये स्लाइडर हटाएंगे यहाँ से। एंड यहाँ पर एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करके देखते हैं, देखिए ये आ गया एक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको डी फ्लैक्स करना पड़ेगा, ओके। एंड उसके बाद डी फ्लैक्स करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट हम, वैसे मैंने 8 प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 8 प्रोडक्ट ऐसे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रो मैं क्लिक करूंगा, देखिए 2 प्रोडक्ट रो गए यहाँ पर, तो प्रोडक्ट रो 2, ये प्रोडक्ट रो 2 के नाम से मैंने ऐड किया, एक क्लास बनाई
ओके एंड इसके अंदर होगा फ्लेक्स रैप रैप ओके देखिए अब एक के नीचे एक आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड यहां पर हमको क्या करना है, देखिए ये जो आइटम है इसमें, देखिए इसमें आइटम में विड्थ लगी हुई है, ये रही, ये प्रोडक्ट आइटम उठाएंगे हम, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट आइटम उसमें विड्थ 100% लिखी है, तो इसमें हम करेंगे 33%। ओके तो उससे क्या होगा, देखिए 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, हमको 25 कर देना यहाँ पर, क्योंकि हमको 40 से करने हैं ना, 1 2, ये क्या हुआ देखिए। ओके एंड इसमें हमारा एक चीज है, देखिए यहाँ पर ये स्क्रॉलिंग क्यों आ गई है, अच्छा इसकी वजह से आ रही है, ठीक है वो ठीक करते हैं अभी हम। एंड यहाँ जो प्रोडक्ट जो आइटम है ना, क्या इसमें भी हो रहा है, नहीं, ओवरफ्लो हिडन कर दो इसको, यहां लगा दो ओवरफ्लो एक्स हिडन, उससे क्या होगा हमारा ये जो स्क्रॉलिंग आ रही है ना, देखिए वो हट गई हमारी, ठीक है। एंड यहां पर ये प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड बट हमको यहां पर ना एक चीज करना पड़ेगा और अच्छा करने के लिए, यहां पर कर दो 23, ओके एंड यहां पर गैप 10px, उससे क्या होगा हमारा गैप आ जाएगा इन प्रोडक्ट में, देखिए। एंड यहां पर बॉर्डर राइट 1px सॉलिड RGBA 0.1, ठीक है, यहां हमने बॉर्डर भी ऐड कर दिया है, परफेक्ट। अब देखिए कि ये अच्छा लग रहा है काफी हमारा ना, तो हमारा इतना भी कर लिया हमने, अब क्या रह गया, ठीक है दोस्तों, इतना भी हमने कर लिया। एंड इसके अंदर ना हम ये दो बैनर भी ऐड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना, तो इससे हमारा थोड़ा सा और प्रोडक्ट और होम पेज हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसका प्रिंट स्क्रीन ले रखा है एंड यहाँ पर ओपन करेंगे, इतने साइज का मैंने कर लिया इसको, ठीक है ना, एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। देखिए पहले देखते हैं, यहाँ से बैनर ट्रैक्स के साथ आ रहा है, लेकिन ये ठीक है, सही है ये, ठीक है ना। अपना क्या करते हैं, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो ये हो गया एंड सेकंड सेकंड ये रहा, सेकंड हमने ये वाला एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, तो मैंने इसे कट कर लिया, ये बैनर टू, ये हो जाएगा हमारा बैनर बैनर थ्री, ठीक है बैनर थ्री, एंड यहाँ पर बैनर फोर, ये बैनर फोर हमने लगा लिया, ठीक है। एंड हमको कहाँ जाना है, यहाँ पर इसे कॉपी करूंगा, यहाँ यहाँ ऐड करूंगा, ठीक है ना, थ्री एंड फोर एंड थ्री एंड फोर, ठीक है ना, तो बैनर टू मैं कॉपी कर लिया मैंने इसको, ठीक है ना, और मैं कहाँ पर ऐड करूंगा, इनके इनके बाद, ठीक है ना, एंड इनके बाद करूंगा मैं एक बार चेक करता हूँ, यहीं पे है ना, आएगा ये, सही तो इंपोर्ट किया हुआ है हमने, अच्छा ये बैनर फोर होना चाहिए था ना, एंड हम यहां पर आएंगे, अब ठीक हो गया ना, तो हम यहां पर इसको पेस्ट कर दिया मैंने,
चेक करेंगे एक बार जरा, यहीं पर ठीक आ रहा है ना, देख यहीं पर ठीक, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रो यहाँ पर डी फ्लैक्स एंड एक दो, मैंने यहाँ पर बैनर 3 कर दिया एंड बैनर 4 कर दिया, ओके। यहाँ से MT4 हटा दो, यहाँ से भी हटा दिया MT4, एंड यहाँ लगाएंगे MT4 एंड MB5, ठीक है ना। एंड बैनर सेक्शन एक क्लास ये ऐड करी, बैनर सेक्शन, एंड यहाँ पर जाके यहाँ पे गैप 10 px 15 px, ओके। अब चेक करते हैं हमारे बैनर, देखिए यहाँ पर आ चुके हैं दोनों, ठीक है दोस्तों। एंड बट एक काम हो गया यहाँ पर, ये देखिए इससे बाहर निकल रहा है, ये देखते हैं क्यों ऐसा बाहर निकल रहा है। अच्छा ये आइटम है, यहाँ 24, करते हैं, ओके। देखिए 25 में एक नीचे चला गया, 24 करता हूँ मैं इसको, हाँ अभी ठीक आ रहा है, ओके। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है अपना, ठीक है, वेरी गुड। देखिए ओके, हमारा ये बैनर भी हो गया। एंड दोस्तों हमको ये चीज ना, ये जो हमारी लेफ्ट साइड में बैनर आ रहे हैं, इसको ना फिक्स करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम होम पेज में आएंगे, देखिए हम हमारे दो कॉलम थे, एक 3 में था एक 9 में, राइट वाला ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 3 के अंदर जाएंगे, दोनों को कट करेंगे, ओके। एंड इफ स्टिकी नाम रख दिया हमने इसको, ठीक है ना। तो हम यहां पर आएंगे एंड स्टिकी नाम रखेंगे, पोजिशन स्टिकी, एंड टॉप से 100 px एंड यहां पर जेड इंडेक्स। अब चेक करते हैं क्या हमारी स्टिकी काम कर रही है, देखिए फ्रेंड्स हमारी स्टिकी भी काम कर रही है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर टॉप से कर दूंगा 10 px, ओके। देखिए परफेक्ट हमारा एक काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा होम पेज तो बनने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है ना। एंड आज की वीडियो में इतना ही, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे का करने वाले हैं, ठीक है ना। ये न्यूज़लेटर का सेक्शन बनाएंगे एंड उसके बाद फिर फुटर बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर तो हमारी बहुत सारा कंटेंट है, ओके। इसमें हम इतना सारा कंटेंट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंड एक काम और करते हैं यहाँ पर बस, ठीक है ना, ये वीडियो फिर एंड हो जाएगी हमारी, ये कंप्लीट। ये क्या बोल रहा है, नहीं ये नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारा ये मोस्टली कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है ना। एंड आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे का करेंगे, जैसे कि ये न्यूज़ लेटर बना देंगे, ओके। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक बार में लंबी वीडियो बनाऊंगा ना तो आपके समझ नहीं आएगी, ठीक है ना, एंड आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए अभी तक हमने इसका मोस्टली सेक्शन बना ही लिया है, ठीक है ना। एंड दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बन रहा है तो हमारा ये, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।